हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फ्यूजन। कल की क्वेश्चन में हमने करा था कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है या असेंडिंग ऑर्डर में सारी डिजिट्स को कैसे अरेंज किया जाता है। तो आज का क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह है कि आज हम एक नंबर में सारी डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए जो 10th बोर्ड्स में और 9th और 8th के एग्जाम्स में कैसे आता है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर, कैलकुलेट एंड प्रिंट इट्स ईच डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल जो हमने कल ही लिया था, जैसे एग्जाम्पल लिया था हमने 302, तो 302 का जो आउटपुट आना चाहिए वो आपका आना चाहिए 320। ठीक है, तो ये आपका नंबर था जो अब डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सी लॉजिक है जो हमें लगानी है, मैं भी आपको दिखाता हूं। हमें एक लूप चलाना है 9 से 0 तक। ये लूप कौन से ऑर्डर में चल रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो जब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा तो जो जो डिजिट आपकी मैच होती जाएगी वो प्रिंट होती जाएगी। जैसे आपका नंबर है 302, ये आपका नंबर है। सबसे पहले 9 आएगा, 9 कहीं मैच कर रहा है? नहीं। 8, 7, 6, 5, 4 कोई मैच नहीं करेगा। 3 मैच कर जाएगा तो 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? 2 मैच कर जाएगा तो 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? 1 मैच करेगा? नहीं, तो प्रिंट नहीं होगा। फिर 0 मैच कर जाएगा तो प्रिंट हो जाएगा। तो ये है इस प्रोग्राम का लॉजिक। अब हम इसे जावा में कैसे कोड करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। आइए देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जावा की स्टार्टिंग कैसे होती है, हमेशा क्लास से होती है। उस क्लास को एक पर्टिकुलर नाम देना होता है जो उसके प्रोग्राम को डिफाइन करे। तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर का प्रोग्राम कर रहे हैं तो मैंने क्लास को नाम दिया है डिसेंडिंग। ठीक है, उसके बाद हम अपना कर्ली ब्रेस लगाएंगे, उसके बाद हम मेन फंक्शन लिखते हैं। मेन फंक्शन इस पूरे प्रोग्राम को प्रोसेस करने में हमारी हेल्प करता है। उसके अंदर मैंने लिया है इंट n, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर। तो जब एक नंबर इनपुट लेना है तो मैंने उसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लिया है n और डेटा टाइप लिया है इंटीजर, क्योंकि जो नंबर इनपुट होगा वो इंटीजर टाइप में होगा। अब इधर ही मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपको इसको समझाने के लिए। मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया है 302। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हमने एक कर्ली ब्रेस लगा दिया, यहां तक हमारा फर्स्ट स्टेप यानी जो सिंटेक्स पार्ट था वो खत्म हो गया। हमारे सेकंड स्टेप में क्या होता है? हमें वो वेरिएबल्स लिखने होते हैं जो हमें इस प्रोग्राम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करें, आई, आर और नम। ठीक है, मैंने यहां पे 3 वेरिएबल्स लिए हैं। आई लिया है मैंने फॉर का लूप चलाने के लिए। ये जो 9 से 0 तक का ये जो लूप चलेगा ये चलेगा आई में। ठीक है, और मैंने फिर लिया है आर। आर मैंने लिया है एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट कराने के लिए। एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट होगी तभी वो नंबर हमारा कन्वर्ट होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद मैंने नम लिया है एक डुप्लीकेट, कौन किस चीज का? ये जो हमारा नंबर इनपुट हुआ है इसके डुप्लीकेट के लिए मैंने ये नम लिया है। ये जब मैं आगे प्रोग्राम सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये नम हमारी कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम फॉर का लूप चलाएंगे 9 से 0 तक। यहां पे मैं वैल्यूज लिख देता हूं। हमारी एन की वैल्यू कितनी है? 302, और आई की वैल्यू इनिशियली क्या है? 9 है। ठीक है, ये लूप कब तक रन करेगा? जब तक 9 से स्टार्ट करेगा और जब तक आई की वैल्यू 0 से कम ना हो जाए तब तक ये रन करता रहेगा। तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है? 9। 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन हमारी ट्रू है, हम अंदर आ जाएंगे। अंदर आते ही स्टेप क्या है? नम इक्वल्स टू एन। तो नम में आपकी क्या वैल्यू स्टोर हो गई? जो एन की वैल्यू है, यानी 302। इसके बाद अब आप चेक करेंगे कि 302 इज नॉट इक्वल टू 0 है, ये वाइल का लूप है। देखिए फोर के अंदर वाइल का लूप चल रहा है। मैंने आपको कल एक ऐसा ही क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर कराया था जिसमें मैंने फोर के अंदर वाइल का लूप चलाया था, सेम उसी तरह इसमें भी फोर के अंदर वाइल का लूप चलेगा। अब यहां पे क्या है? नम इज नॉट इक्वल टू 0, 302 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम लूप के अंदर आ गए। आर इज इक्वल टू 30 मॉड्यूलस 10।
मैंने आपको हमेशा बताया मॉडुलस के केस में जो आपका रिमाइंडर होता है वो आउटपुट आता है, तो जब आप 302 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आउटपुट रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। तो आर में आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, आर में 2 स्टोर हो गया। अब चेक करेंगे 2 इक्वल इक्वल 9, क्योंकि आपकी आर की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 9 है, 2 इक्वल इक्वल 9 नहीं, यहां आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आपका आर प्रिंट नहीं होगा। फिर आप नीचे आ जाएंगे, नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय 10, जब आप नम डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, जब आप 302 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 30 टाइम्स आपका क्वेश्चन आएगा, तो जो क्वेश्चन होता है वही आपका आंसर होता है। तो नम में आप 302 कट के क्या स्टोर हो जाएगा, 30 स्टोर हो जाएगा। इसके बाद आप यहां से, अब इधर से ना इधर जाएंगे, अभी आप वाई के लूप के अंदर है, ऊपर नहीं जाएंगे, यहां पे जाएंगे, फिर से चेक करेंगे 30 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, 30 इज नॉट इक्वल टू 0, अंदर आ गए, 30 मॉडुलस 10, जब आप 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका रिमाइंडर है वो 0 आएगा, तो आपके आर में जो 2 है वो कट के कितना स्टोर हो जाएगा, 0 हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे आप फिर आएंगे, आर इक्वल इक्वल आई चेक करेंगे, आपकी आर की वैल्यू है 0, आई की वैल्यू है 9, क्या 0 इक्वल इक्वल 9 है, नहीं, यहां पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आपका आर यानी कि 0 प्रिंट नहीं होगा। आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे, नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 30 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन आएगा 3, तो आपकी नम में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 30 कट के 3 स्टोर हो जाएगी। इसके बाद आप वापस यहां से ऊपर जाएंगे, 3 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, अंदर आएंगे लूप के, आर इजिकल्स टू 3 मॉडुलस 10। मैंने आपको हमेशा बताया मॉडुलस के केस में जब आपके सिंगल डिजिट रह जाती है और वो डिवाइड नहीं हो सकती, तो आपको उस डिजिट को ही ऐसा रिमाइंडर लेना होता है, वो ही आपको ऐसा आउटपुट आंसर मानना होता है। तो आर की वैल्यू 0 कट के क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अब हम फिर से एक ही कंडीशन में चेक करेंगे, आपकी आर की वैल्यू कितनी है, 3, आई की वैल्यू कितनी है, 9, क्या 3 इक्वल इक्वल 9 है, नहीं, यहां आपकी कंडीशन हो गई फॉल्स, तो आप एसओपी आर प्रिंट नहीं करा सकते, आपकी जो ये जो 3 वैल्यू थी ये प्रिंट नहीं हो सकती। नेक्स्ट स्टेप में आएंगे आप, नम इक्वल्स टू नम डिवाइड बाय 10, अब 3 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, मैंने आपको बताया है जब सिंगल डिजिट रह जाती है और वो डिवाइड नहीं हो सकती, जब वो डिवाइड नहीं होगी तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और जब कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, तो आपकी नम की वैल्यू अपने आप 3 से क्या हो जाएगी, 0, या आपकी नम की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अब यहां से वापस इधर आएंगे ऊपर, अब आप चेक करेंगे 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, नहीं कंडीशन फॉल्स है, तो आप इधर से ये बाहर आ जाएंगे, बाहर आएंगे किसके, इस एक लूप के बाहर आएंगे, यहां पे, यहां से आप वापस इधर ऊपर जाएंगे, इधर इधर आने से पहले आप यहां रुकेंगे, आई माइनस माइनस, तो आपकी आई की वैल्यू 9 कट के क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब फिर से ये चेक करेगी, 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, तो हम वापस अब फॉर लूप के अंदर आ गए। अब देखिए आपकी नम की वैल्यू क्या हो गई थी, 0 हो गई थी, अब इधर इसने नम इक्वल्स टू n कर दिया, यानी 0 कट के क्या हो गई, वो नम की वैल्यू फिर से कितनी हो गई, 302। तो अब समझ में आया हमने डुप्लीकेट क्यों लिया था, क्योंकि हमें एक डिजिट के लिए, पहले 9 के लिए चला तो पूरे हमें उस 302 को कैलकुलेट करना पड़ा, अब ये 8 के लिए चल रहा है, इस बार देखिए 8 है वैल्यू, तो 8 के लिए चलेगा, फिर हमें 302 को दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसे 7 के लिए, 6 के लिए, हर एक डिजिट के लिए चलेगा, और जहां पर डिजिट मैच हो जाएगी वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मान लीजिए ये मेरी आउटपुट स्क्रीन है, ठीक है, तो अब आपके लिए 9 के लिए चल गया था, तो 9 में कुछ आपका कहीं मैच नहीं हुआ तो कोई प्रिंट नहीं हुई, अब आपकी नम की वैल्यू वापस कितनी हो गई है, 302, अब आई की वैल्यू 8 है, फिर से चलेगा, पूरी प्रोसेसिंग करेगा जो मैंने अभी करके दिखाई है 8 के लिए, कहीं कुछ मैच नहीं करेगा, तो 8 के लिए भी कुछ प्रिंट नहीं होगा। फिर वापस आप यहां से इधर ऊपर आओगे, आई की वैल्यू आप कर दोगे 7, फिर 7 के लिए रन करेगा, कुछ नहीं होगा, फिर आप वापस यहां से ऊपर आओगे, आपकी आई की वैल्यू 6, 5 और ये 4, ठीक है। उसके बाद जैसे आई की वैल्यू आपकी 3 होगी ना, 3 से 3 एक बार जब भी प्रोसेसिंग करेगा तो मैच कर जाएगा, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं कैसे करेगा। जैसे मान लीजिए अब आपकी नम की वैल्यू कितनी है, 302 है, और आपकी आई की वैल्यू कितनी हो गई है, छोटी हो के 3 हो गई है, ठीक है। तो पहले चेक करेंगे, 302 इज नॉट इक्वल टू 0,
कंडीशन ट्रू है, आर इज इक्वल्स टू 302 मॉडुलस 10, तो जब 302 को मॉडुलस करेंगे 10 से तो आर के अंदर कितना स्टोर हो जाएगा, आर के अंदर 2 स्टोर हो जाएगा। तो ये देखिए आर के अंदर स्टोर हो गया 2, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप आएंगे, क्या 2 इक्वल इक्वल 3 है, क्योंकि आपके आर की वैल्यू क्या है 2 और आई की वैल्यू क्या है 3, 2 इक्वल इक्वल 3 है, नहीं कंडीशन फॉल्स, आप ये वाला स्टेप एसओपी आर वर्क नहीं करेगा, नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय 10। जब 302 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 30 टाइम्स आपको क्वेश्चन आएगा, तो आपकी नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, ठीक है। फिर आप ऊपर जाएंगे, यहां पे 30 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। आप अंदर आएंगे आर इक्वल्स टू 30 मॉडुलस 10, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो आपकी आर की वैल्यू कट के कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। उसके बाद आप फिर से चेक करेंगे क्या 0 इक्वल इक्वल 3 है, नहीं, यहां पे आपकी कंडीशन फिर से फॉल्स है, तो आपका एसओपी आर फिर से वर्क नहीं करेगा, नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10। तो जब नम इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 30 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन 3 आएगा, तो ये आपका 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद वापस ऊपर जाएंगे, 3 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, हाँ कंडीशन ट्रू है, आर इज इक्वल टू नम मॉडुलस 10, वही सिंगल डिजिट बच रही है, तो मैंने आपको बताया सिंगल डिजिट के केस में वही एज अ रिमाइंडर माना जाता है, तो आर की वैल्यू 0 कट के क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। फिर से चेक करेंगे 3 इक्वल इक्वल 3, आपकी आर की वैल्यू 3 है और आई की वैल्यू भी 3 है, हाँ कंडीशन ट्रू हो गई, तो आपका क्या प्रिंट हो गया एसओपी आर, यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आर प्रिंट हो गया आपका, आर की वैल्यू क्या थी 3, ये आपका 3 आ गया आउटपुट स्क्रीन में, ठीक है। नम इक्वल्स टू नम डिवाइड बाय 10, जब अब सिंगल डिजिट है, जब 3 10 से डिवाइड नहीं हो सकती तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपका जो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन है वो 0 हो जाएगा, तो नम की वैल्यू आपकी 0 हो गई। फिर से आप अब यहां से इधर आएंगे, अब आप चेक करेंगे क्या 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन हो गई आपकी फॉल्स। उसके बाद आप इस लूप के बाहर बस एक एक ब्रेस के बाहर आएंगे, यहां से वापस ऊपर जाएंगे, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 कट के, आई की वैल्यू इस बार आपकी हो गई 2, ठीक है। अब वो 2 के लिए पूरी प्रोसेसिंग करेगा, जब वो 2 के लिए पूरी प्रोसेसिंग करेगा तो 2 एक बार मैच कर जाएगा, जहां पे 2 मैच कर जाएगा वहां 2 प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, फिर क्या हो जाएगी 0, 1 में कोई मैच करेगा नहीं तो कुछ प्रिंट करेगा नहीं, और लास्ट में 0 पे एक 0 मैच कर जाएगा, 0 के बाद आई की वैल्यू क्या होगी -1, फिर ये चेक करेगा -1 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन आपकी हो गई फॉल्स, तो आप इस लूप से भी बाहर आ जाएंगे, इस ब्रेस के बाहर, इस ब्रेस के बाद आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो 2 ब्रेस बच रहे हैं वो क्लास के और मेन फंक्शन के हैं, जहां पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो यहां तक देखिए आपका आउटपुट अपने आप सॉल्व होके आ गया 320, ये जो हमने नंबर इनपुट किया था 302, ये ऑटोमेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, आपको फॉर का लूप 9 से 0 यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में चलाना होता है, बड़े से छोटे में चलाना होता है, और अगर आपको किसी क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो आपको लूप 0 से 9 चलाना होगा, यही फॉर का लूप आपका पूरे क्वेश्चन कन्वर्ट करता है। आई होप आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे मिस ना हो पाए। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। हैव अ गुड डे।